Assalamualaikum class. Today we are going to start new lesson. Lesson number 7, the world population. Duniya ki abadi. Our world is a home to over 7 billion people. Hamari duniya 7 arab logon ka ghar hai. With over 28,000 people increasing every single day. Jisme har roz 28,000 logon ka izafa ho raha hai. With the current rate of increase, izafe ki maujooda sharah ke saath, it is expected that the earth will have a population of 10 billion people by the year 2050. ये तवक्को की जा सकती है कि साल 2050 तक जो इस दुनिया की population आबादी है वो 10 अरब लोगों तक पहुंच जाएगी. 72,000 years ago, 72,000 साल पहले, however, the human population was restricted to only 10,000 people. इस दुनिया की जो आबादी थी उसको महदूद कर दिया गया था 10,000 लोगों तक. द प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ लाइफ स्पेंट इन द वाइल्ड. द प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन कबल अस तारीख, इनके पुराने लोग, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो अपनी ज़िंदगी जंगलों में भरपूर तरीके से गुजारते थे. फूड वॉज लिमिटेड, खुराक महदूद थी. एंड ह्यूमन वुड इजली डाई ऑफ बैड वेदर डिजीज एंड एनिमल अटैक्स. और जो इंसान है वो आसानी से ख़राब मौसम, बीमारी और जानवर के हमलों की वजह से मर जाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की इजाद के साथ, हाउएवर वी आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड. हम इस काबिल हुए कि हम बड़ी तादाद में अपना फूड जो है, हमारी ग़िज़ा जो है उसे प्रोड्यूस पैदा कर सकते थे. दिस लेड टू अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन अवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ. अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, तकरीबन 12,000 साल पहले, ह्यूमन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रीच 15 मिलियन. जो इंसानों की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ तक पहुंच गई थी. वायरल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो वायरस से हों, एंड प्लेग, ताउन या तकलीफदा बीमारी, ये दोनों बीमारियां हैं. वायरल डिजीज़ एंड प्लेग अलोन वाइप आउट इंटायर सिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका. यूरोप और अफ्रीका के बहुत से इलाकों में वायरल डिजीज़ और प्लेग ने अकेले ही उन सिटीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया था. बट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया हैड रिमेन सेम फ्रॉम 300 BCE टू 1600 CE. BCE और CE एक टाइम पीरियड है, एरा है. BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले. CE हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, उस ज़माने में एशिया की जो पॉपुलेशन थी सेम रही, मोस्टली ड्यू टू द रिच हाइजीन. किस वजह से? रिच हाइजीन, आला सेहत सफाई की वजह से, एंड कॉन्स्टेंट फूड सप्लाई फ्रॉम एग्रीकल्चर और ज़राअत से रिस्क की फरवानी की वजह से. द टेबल ब्लो शोज वर्ल्ड पॉपुलेशन माइलस्टोन इन बिलियन सिंस 18. ये जो आपको टेबल दिया गया है, जो शो कर रहा है आपकी पॉपुलेशन को, शो कर रहा है बिलियंस में, कब से? 18 से. पॉपुलेशन इन बिलियंस, ये जो आपकी जो कॉलम है, ये पॉपुलेशन है बिलियंस में. 1 बिलियन, 2 बिलियंस, 3 बिलियंस, 4 बिलियंस, 5, 6, 7, 8, 9, सारे बिलियंस में पॉपुलेशन है. और ये एयर्स हैं, इन सब के एयर्स. इस साल मतलब 1804 है ये. 1804 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 बिलियन. ऐसे 1927 में 2 बिलियन. ये सारे इन सब की पॉपुलेशन दी गई हैं, किस साल में कितनी पॉपुलेशन थी और कितनी हो सकती है, क्योंकि हम अभी तक 2024 तक नहीं पहुँचे, 2024 तक नहीं पहुँचे, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है. ये सिर्फ अंदाज़ा है. और ये एयर पास्ट का मतलब क्या है? 1804 से 1927 में जितने एयर आए, कितने एयर आए होंगे? 123 एयर्स आए होंगे. ये वो लिखे होंगे कि 123 में सिर्फ 1 बिलियन लोग बढ़े, क्योंकि 1 बिलियन पहले थे और 1 बिलियन लोगों का और इजाफा हुआ. द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू रैपिडली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन 18 के स्टार्ट में. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि सनती इनकलाब जब हुआ, उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ, तेज़ी से ग्रोथ आई. क्यों आई? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज हमारी
वजूद में आई। हमने सनतों को ईजाद किया, सनतों की बुनियाद रखी, उसकी वजह से हमारी ज़रूरती ज़िंदगी की जो सामान है, जो चीज़ें हैं, हमें मिलने शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ को, जो हमारी ग्रोथ है उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ। फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन वर इम्प्रूव्ड। हमारी फूड, खुराक, न्यूट्रिशन, गज़ा, मेडिसिन, दवाएँ, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए या उससे बचाव के लिए इंजेक्शन या मेडिसिन दिए जाते हैं, उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। सैनिटेशन, सफाई सुथराई, उसे बेहतर किया गया। हेल्पिंग पीपल लिव लॉन्गर लिव्स, और लोगों की मदद की गई ताकि वो जी सकें। ह्यूमन रजिस्टर्ड ड्रेस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस द अर्ली 20th century बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। और क्या हुआ, जब हमारी 20th century यानी कि 20वीं सदी जब हमारी शुरू हुई, तो उसमें जो हमारी ग्रोथ थी बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो उसकी रिकॉर्ड के उसे रिकॉर्ड किया गया। क्यों रिकॉर्ड किया गया? ताकि जो हमारी पब्लिक हेल्थ है, आलमी जो सेहत है, उसे इम्प्रूव किया जाए, और इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, और लोगों की को माशी तौर पर अच्छा किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स हैं तकसीम, डेंसिटी के मीन्स हैं कसाफत। डिड यू एवर वंडर अबाउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल हु लिव इन योर नेबरहुड? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि कितने लोग और किस टाइप के जो लोग हैं आपके पड़ोस में रहते हैं? व्हाट आर देयर एजेस, उनकी क्या उम्रें हैं? व्हाट वर्क डू दे डू, वो क्या करते हैं? हाउ मैनी ऑफ देम चिल्ड्रन, हाउ मैनी ऑफ देम आर एडल्ट्स, उसमें कितने बच्चे और कितने बड़े हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी आबादी की कसाफत क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या डिस्क्राइब करती है? नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद को एक खास एरिया में, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास एरिया में जो रहते हैं उनकी तादाद को पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करती है। वी मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी पीपल लिव इन ईच स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ गिवन लैंड। एक पॉपुलेशन डेंसिटी हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए मेजर करते हैं? ये समझने के लिए कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज टर्म टू यूज डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करती है, एक नंबर ऑफ पीपल, जैसे चार लोग हैं एक घर में रहते हैं, तो ये नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक मखसूस एरिया में लोगों की तादाद को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वी मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी पीपल लिव इन ईच स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी हम इसलिए मेजर करते हैं कि हम ये समझ सकें, हम ये समझ लें कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। द टेबल शोज बिलो शोज कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो ये टेबल है आपको शो कर रहा है कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी वर्ल्ड की। द वर्ल्ड पॉपुलेशन चार्ट, अवर प्लैनेट इज डिवाइडेड इंटू 7 मेजर लैंड मासेस टर्म एज कॉन्टिनेंट्स। हमारा जो सयारा है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उससे 7 बड़े ज़मीन के हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स बड़े आज़म कहते हैं। आउट ऑफ दोस 7, इन 7 में से 6 ऑफ देम आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड ऑन अ लार्ज स्केल। इन 7 में से जो 6 हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। एशिया हैज़ रिमेंड एज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। एशिया हमेशा से ज़्यादा आबादी वाला बड़े आज़म रहा है इंसान तारीख में। टूडे इट इज़ होम टू मोर देन 4.4 बिलियन पीपल, मेकिंग अप अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आजकल जो एशिया है, हमारा जो बड़े आज़म एशिया है, वो 4.4 बिलियन लोगों का घर है, और यह हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% रिप्रेजेंट करता है हमारी पॉपुलेशन को। द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड चाइना एंड इंडिया लाइज इन एशिया। दुनिया के जो ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं वो चाइना और इंडिया हैं, और वो एशिया में ही पाए जाते हैं, एशिया में ही हैं।
अफ्रीका इज कंसिडर टू बी द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट विथ ओवर 1 बिलियन पीपल. अफ्रीका जो है वो कंसिडर किया जाता है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, दूसरे नंबर पे कंसिडर किया जाता है कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है. और कितने लोग हैं? 1 बिलियन पीपल. यूरोप इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस विथ 738 मिलियन पीपल. और यूरोप तीसरे नंबर पे है जिसमें 738 मिलियन पीपल हैं. और जो साउथ अमेरिका विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 641 मिलियन इनहेबिटेंट इज एट फोर्थ प्लेस. और साउथ अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है? 641 मिलियन इनहेबिटेंट. इनहेबिटेंट का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग लोग भी आते हैं, दूसरे मुल्क के, दूसरे बड़े आज़म के लोग भी रहते हैं. और वो चौथे नंबर पे है. नॉर्थ अमेरिका प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 360 मिलियन पीपल. नॉर्थ अमेरिका जो कंसिस्ट करता है बेसिकली, बेस जो है उसकी कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स है. और उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 360 मिलियन पीपल्स एंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 40 मिलियंस. और अगर सारी पॉपुलेशन देखें, सबको मिला के देखें, तो 40 मिलियंस पॉपुलेशन है. ओशियाना इज द लीस्ट पॉपुलस रीजन इन द लिस्ट. ओशियाना जो है, इसमें ओशियाना आपको दिया गया है, वो उसकी आबादी जो है सबसे कम है इन सब में. अब हम इस चार्ट देख लेते हैं, इस चार्ट में क्या बात बयान की गई है. ये चार्ट जो है कॉन्टिनेंट बेस है, इसे कॉन्टिनेंट बेस पे डिवाइड किया गया है कि कितनी पॉपुलेशन है. एशिया में देखें आप, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. जैसे मैंने अभी आपको इसमें बात बताई थी, 4.4 बिलियन पीपल. देखें मैक्सिमम हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इसमें एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. और जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी इसमें ज़्यादा है. ग्रोथ की परसेंटेज जो दिखाई गई है और डेंसिटी दिखाई गई है कि कितने. डेंसिटी क्या होती है? पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय स्क्वायर किलोमीटर. ऐसी अफ्रीका की दिखाई गई है. ये सारी दिखाई गई हैं कि 2016 में कितनी आबादी थी, ग्रोथ कितनी आई, परसेंटेज में दी गई है और डेंसिटी कितनी है. यह आज का आप लोग का टॉपिक है, इसे आप लोग ने पढ़ना है. और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़. क्लास अभी हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन. अब हम ये वर्कशीट का काम अपना सारा कॉपी में कर देंगे. सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन का, और उसके साथ लेसन डिटेल्स लिखेंगे. नेक्स्ट पेज पे माइंड मैप बनाएंगे. माइंड मैप बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग का कॉलम बना के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे. वर्ड्स मीनिंग्स हैं पॉपुलेशन, आबादी, डेंसिटी, कसाफत, एस्टिमेटेड, जांचना, ब्लॉक, तकलीफ, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, जिले की आबादी, सैनिटेशन, साफ सेहत और सफाई, सिचुएशन, लहराव, डिवेस्टिटेटिंग, शदीद, अलमनाक, मैसिव, वजनिंग, एपिडेमिक, वबाई मर्ज. फिर नेक्स्ट पेज पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की चार हैं, चारों करने हैं. What do you mean by the population movement? Population movement से क्या मुराद है? The shifting of people to cities and the urban centers is known as population. लोगों का shift करना, move करना cities शहरों की तरफ और urban centers. Urban centers मतलब ये है कि उनका जो गांव है उसका जो center होगा. Center का मतलब ये नहीं कि बीच, जहाँ पे उन लोगों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त होगी लोगों की, उधर मूव करना पॉपुलेशन मूवमेंट कहलाती है. नेम टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की दो ज्यादा आबादी वाले मुल्क के नाम लिखें. द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना एंड इंडिया. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 फेसेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री. पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री के 3 फेसेस के नाम लिखें. द पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेसेस. 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री को. प्री मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, ड्रास्टिक पॉपुलेशन, द प्रेजेंट एज. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं
रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी तेजी से जो हमारी आबादी हो रही है उसके क्या मसाइल हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्लूड डिफोरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड एनर्जी। क्या क्या मसले हैं हमारी जो तेजी से ग्रोथ हो रही है, तेजी से जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन जंगलात का ख़त्म होना, डिजर्टिफिकेशन हमारे जो सहरा है उनका ख़त्म होना, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी, गज़ा की कमी, खुराक की कमी, वाटर की कमी और एनर्जी, लाइट गैस जो हमारी जो ज़रूरत ज़िंदगी की एनर्जी है जिसमें उसकी कमी, हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्लास ये सारा काम आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ क्लास।